नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज सिक्किम सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ इतना देर होने के लिए। मेरा फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए सॉरी दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जनार्दन और आप देख रहे हैं टूर गाइड। उम्मीद करते हैं आप सब ने इस सीरीज़ का पहला दो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। हम लोगों का तीसरे दिन निकल गया था, तो आइए दोस्तों चौथे दिन से हम नॉर्थ सिक्किम के प्लान करें। नॉर्थ सिक्किम सीनिक ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं तो कहूँगा बहुत ही प्यारा है। जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं उन सबको ये जगह बहुत ही प्यारा लगेगा। नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए आप लोगों को परमिट लेना पड़ेगा। परमिट गैंगटॉक से ही लेना पड़ेगा। पहले दिन शाम को MG Mark जाकर टूरिज्म डिपार्टमेंट से आप परमिट निकाल सकते हो। दो कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक कॉपी फ़ोटो आईडी कार्ड की जीरोक्स लगेगा परमिट निकालने में। अगर आप लोगों का कोई 7 या 8 मेंबर का ग्रुप होगा तो आप एक कार भाड़े पर ले लीजिए और 3 days 2 nights की प्रोग्राम बनाइए। फर्स्ट मॉर्निंग आप गैंगटॉक से निकलो, जितना संभव सुबह निकलो। रोड बहुत ही ख़राब है इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। और एक कारण है टाइम ज़्यादा लगने का, वो है सीनिक ब्यूटी। इतना ब्यूटीफुल नज़ारा चारों दिशाओं में, अब मजबूर हो जाओगी कार रुक कर प्रकृति का मज़ा लेने के लिए। दोपहर तक आप पहुँच जाओगी चुंगथांग पर। यहाँ से नॉर्थ सिक्किम का दो ब्यूटीफुल सिटी लाचुंग और लाचेन डिवाइडेड हो जाता है। चुंगथांग से दो रोड दोनों दिशाओं में जाता है, एक लाचुंग जाते हैं एक लाचेन जाते हैं। आप लोगों का पहला डेस्टिनेशन होगा लाचेन। चुंगथांग पर लंच करें फिर यात्रा शुरू करें। चुंगथांग पर दो नदी, लाचुंग से लाचुंग नदी एंड लाचेन से लाचेन नदी आकर मिलते हैं। वो दो नदी आपस में मिलने के बाद उसका नाम होता है तिस्ता नदी। चुंगथांग से लाचेन का डिस्टेंस है 26 to 30 किमी। टाइम लगेगा 1 से 1.5 घंटे। शाम तक आप पहुंच जाओगे लाचेन। वहां पर बहुत सारे होटल होमस्टे हैं, आप पहले ही ऑनलाइन साइट से बुक कर सकते हो। रात को होटल में डिनर करें। चौथे दिन आपका गुजर गया। फिफ्थ डे अर्ली मॉर्निंग आप लाचेन से निकलो गुरुद्वार लेक के लिए। लाचेन से गुरुद्वार लेक का डिस्टेंस है 66 किमी। टाइम लगेगा अप्रॉक्स 3 घंटा 15 मिनट या 3.5 घंटे। गुरुद्वार लेक सी लेवल से 17,800 फुट ऊपर है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। लाचेन से ये टूर स्टार्ट होता है 3 से 3:30 बजे, सुबह 3 से 3:30 बजे। जितना जल्दी संभव आप ये टूर स्टार्ट करें, क्योंकि जितना जल्दी हो सके आप वापस आ जाए लाचेन पर। यहाँ पर एक बात आप ज़रूर ध्यान रखना, जितना देर होगा वेदर कंडीशन रोड कंडीशन उतना ही ख़राब होगा। तो आप एक काम कीजिए, आप एक टारगेट रखिए 10:30 से 11 बजे तक आप वापस लाचेन आ सकते हैं। ये टाइम लेके आप लाचेन से निकलो गुरुद्वार लेक के लिए। वापस आने के टाइम आप थांगू वैली पर रुककर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा जगह, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस। लाचेन वापस आकर आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा, सेम डे नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा लाचुंग तक। शाम तक आपको लाचुंग पहुंचना होगा। लाचेन से लाचुंग जाने के लिए आपको चुंगथांग होके जाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट गुरुद्वार लेक से बैक करने के टाइम, वापस आने के टाइम आप लाचेन पर ना रुके डायरेक्ट चुंगथांग पर आ जाइए। चुंगथांग पर आकर वहाँ पर लंच करें। चुंगथांग से लाचुंग तक डिस्टेंस है 21 से 22 किमी। लगभग आपका टाइम लगेगा 1 से 1.5 घंटे। लाचुंग और लाचेन ये दोनों जगह के आपको ये होटल या होम स्टे आपका पर नाइट कॉस्ट आएगा, पर रूम आपको अप्रॉक्स 2,000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगा। लाचुंग पहुंचने के बाद
आप होटल में रेस्ट कीजिए। आपका फिफ्थ डे सिक्किम टूर का आपका फिफ्थ डे निकल गया। सिक्स्थ डे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके होटल से निकलो। आपका पहला डेस्टिनेशन होगा यामथम वैली। यामथम वैली लाचुंग से 26 किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम लगेगा एक घंटा। आप यहाँ से जीरो पॉइंट भी जा सकते हो। यहाँ से जीरो पॉइंट तक डिस्टेंस 26 किमी। यामथम से टाइम लगेगा वही लगभग एक घंटा। वापस आकर लाचुंग पर लंच करें। यहाँ पर भी वही बात ध्यान में रखना, दोपहर तक आपको लाचुंग वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वेदर जितना देर होगा वेदर उतनी ख़राब होगा। अगर आप जीरो पॉइंट ना जाए तो आप काटाऊ जा सकते हो, लाचुंग से काटाऊ जा सकते हो, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप टाइम निकल सकते हो, अगर आप टाइम मेंटेन कर सकते हो, तो आप ये सारे जगह एक साथ कवर कर सकते हो। लंच के बाद वहाँ से डायरेक्ट गैंगटॉक वापस आइए। आपको गैंगटॉक पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा। गैंगटॉक आकर होटल में रेस्ट करें। सिक्स्थ डे आपका गुजर गया, सेवेंथ डे से आप वेस्ट सिक्किम घूम सकते हो। अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। नॉर्थ सिक्किम के बारे में थोड़ी बात आप कर लेते हैं। इस टूर में आप लोगों का कार का कॉस्ट आएगा पर डे 5,000 to 6,000। और जीरो पॉइंट जाने के लिए एक्स्ट्रा 2,000 to 2,500 लगेगा। यहाँ पर सब कुछ महंगा है। आपका खाना महंगा पड़ेगा, आपका रहने का जगह महंगा पड़ेगा, होटल महंगा पड़ेगा, सब कुछ महंगा है। कुछ टिप्स आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इतना ज़्यादा हेडेक ना लेना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, मेरा सजेशन मान के आप एक काम कीजिए। आप लोग एमजी मार्ग पर कोई भी टूर ऑपरेटर के पास जाकर नॉर्थ सिक्किम का 3 days 2 nights की एक टूर पैकेज ले लेना। इस पैकेज में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको कोई भी हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। आप सिर्फ पैसा पेमेंट कीजिए और डॉक्यूमेंट्स और टूर ऑपरेटर को दे दीजिए। टोटल टूर सब कुछ वो लोग मेंटेन करेंगे, आपका रहने का जगह, आपका खाना, आपका घूमना, सब कुछ ये पैकेज के अंदर होता है। ये पैकेज पर हेड कॉस्ट आएगा 4,000 to 5,000 पर हेड। ये लोग, ये टूर ऑपरेटर सब शेयर कैब में आप लोगों को ले जाएगा नॉर्थ सिक्किम। शेयर कैब एक कैब में, एक कार में 10 लोगों को लेते हैं, तो 10 लोग एक कैब में तो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। आप एक काम कीजिए, अगर आप लोग 7 या 8 लोगों का कोई ग्रुप, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, कोई 7 या 8 लोगों का कोई ग्रुप हो तो आप एक काम कीजिए, आप लोग वो टूर ऑपरेटर के पास जाकर एक कैब फुल भाड़े पे ले लीजिए। पर हेड 4,000 rupees के हिसाब से उन लोगों को एक कैब से 40,000 rupees मांगता है। जब 40,000 rupees 8 लोगों में बांट लेना, आपको कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा, बट आप बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही कंफर्टेबल से घूम सकते हो। दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम पर प्लास्टिक बैन है, इसलिए आप लोग कोई भी प्लास्टिक का सामान आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते, तो ये बात ध्यान में रखना। और एक बात ध्यान में रखना, ये नॉर्थ सिक्किम का ये दो डेस्टिनेशन आपको गुरुडोंगमार लेक और जीरो पॉइंट, ये बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। सी लेवल से करीबन 15,000 से 17,000 feet ऊपर है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा कम है। जो लोग को सांस लेने की थोड़ी प्रॉब्लम है वो लोग मत जाए। अगर जाए तो आपको डॉक्टर के परमिशन के साथ जाइए, कोई दवा जो है आपके पास वो सब ले जाइए, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़े कम है, सांस लेने के लिए तकलीफ हो सकते हैं। सब मेंबर अपने पास आईडी कार्ड की फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल कॉपी आपके साथ रखना, क्योंकि ये हर जगह आपको दिखाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को सिक्किम घूमने के लिए थोड़ी मदद करेगा। अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कोई काम आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग नए हों मेरे चैनल में,
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे टूर रिलेटेड वीडियो मैं कंटिन्यूसली अपलोड करता हूँ और करता रहूँगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सिक्किम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का अगले वीडियो लेकर जल्दी लौटूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।